राजधानी लखनऊ में गोसाईगंज क्षेत्र के गंगागंज स्थित रत्ना मैरिज लॉन में राष्ट्रीय कल्याण मंच का छठवां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनोद रावत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश कुमार, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना रावत, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मदन सरोज, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष पद्मा रावत द्वारा तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जननायक मदारी पासी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी के वक्ताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कल्याण मंच दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाने का काम कर रहा है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभियुक्तियों ने शिक्षा पर जोर देने की बात कही। स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनोद रावत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शोषितों वंचितों के हक का अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए आज से 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय कल्याण मंच की स्थापना की गई थी, जो आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। संगठन के संघर्ष को देखते हुए लगातार लोग संगठनों से जुड़ रहे हैं। संगठन शुरू से ही लोगों की उम्मीद पर खरा उतर रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता का शोषण एवं अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर हर साल की तरह सैकड़ों छात्र छात्राओं को स्कूली बैग देकर सम्मानित किया गया। वही वक्ताओं ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसे जो पीता है वह सिंह की तरह दहाड़ने लगता है। वक्ताओं ने सभी से अपील करते हुए कहा कि भले ही एक वक्त की रोटी खाए किंतु बच्चों को अवश्य पढ़ाए। इस मौके पर एडवोकेट अरविंद कुमार रावत, राज कपूर, नीलमनीषी राव, बोध राम पासी, मनोज कुमार रावत, रमेश कुमार रावत, प्रेम प्रकाश वर्मा, संत प्रकाश, विवेक कुमार, सोम शंकर, मीनू शैलेंद्र पासवान, मोहित विक्रम, श्रवण कुमार, रोहित गौतम, ओम प्रकाश रावत, शिव कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे। उस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय कल्याण मंच के एवं समाज के विभिन्न सामाजिक लोगों एवं सभी जाति और सभी धर्म के लोगों का आगमन है, सभी का स्वागत है और मैं सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, राष्ट्रीय कल्याण मंच एक सामाजिक संगठन है जिसका राजनीति से किसी प्रकार का दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। हमारे संगठन को ना कोई राजनैतिक व्यक्ति चलाता है, ना उद्योगपति चलाता है और ना ही इस समाज के बड़े बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ नहीं चलाते हैं। हमारे संगठन को हमारे ही संगठन के लोग, जो इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो थोड़ा थोड़ा सहयोग करके समाज में शोषण अत्याचार पे आवाज उठाते हैं।